बैंगन का चोखा बिहार में बहुत ही फेमस है। बेसिकली ये लिट्टी या फिर सत्तू के पराठे के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये दाल चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता यानी बैंगन का चोखा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बैंगन का चोखा। बिहारी स्टाइल बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बैंगन लिया है, ये राउंड वाले बैंगन है, एक टमाटर लिया है और थोड़े से लहसुन है छिले हुए। सबसे पहले बैंगन में चीरा लगा लेंगे, इससे ये भी पता चल जाएगा कि बैंगन में कीड़े हैं या नहीं और बैंगन जो है हमारा जल्दी पक भी जाता है। तो ये देखिए बैंगन में कीड़े नहीं है, दोनों बैंगन को इसी तरीके से चीरे लगा लेंगे। ये देखिए ये बैंगन भी बिल्कुल क्लियर है। अभी क्या करेंगे कि बैंगन में हमने चीरे लगा लिए, ये जो लहसुन है बैंगन के अंदर हमें डालना है। तो बैंगन में नाइफ की हेल्प से इस तरीके से छोटे छोटे कट मारेंगे और इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बैंगन के भरते में। तो ये देखिए दोनों बैंगनों को मैंने अच्छी तरह कट लगा करके इसमें लहसुन डाल दिया है। अभी दोनों बैंगन और टमाटर के ऊपर सरसों का तेल लगाएंगे, इससे हमारा क्या होगा बैंगन पकने में भी आसानी होगी और छिलके उतारने में भी आसानी होगी। तो साथ दोनों बैंगन, जो भी बैंगन आप पका रहे हैं उसके ऊपर सरसों का तेल लगा दें। बहुत लोग जो है कट लगाने के बाद लहसुन के साथ साथ हरी मिर्च भी डालते हैं, तो अगर चाहिए आपको तो इसमें हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अभी चलिए बैंगन को कुक करते हैं। बैंगन को कुक करने के लिए मैंने गैस पे जाली का स्टैंड रखा है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। गैस की फ्लेम को स्लो पे मैंने चलाया है। अभी इसके ऊपर इस तरीके से बैंगन रख देंगे और स्लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह कुक करना है। हर साइड से पलट पलट के बैंगन को हमें अच्छी तरह कुक करना है। अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारे बैंगन जो है कुक हो रहे हैं। मैंने एक टमाटर बाद में ऐड किया था, मुझे जो ये टमाटर थोड़े छोटे लग रहे थे तो मैंने एक टमाटर और बाद में ऐड किया था। अगर टमाटर का साइज बड़ा हो तो एक ही डालें। तो ये जो हमारे बैंगन और टमाटर है अच्छी तरह कुक हो गए हैं, मैं हर साइड से इसे अच्छी तरह पका ली हूँ। इसे गैस को ऑफ कर देंगे, अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो अभी ये जो बैंगन है हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो इसे मैं छील लूंगी। अभी ये जो छिले हुए हमारे बैंगन टमाटर और लहसुन है इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरह मैश कर देंगे। पोटैटो मैशर से अच्छी तरह मैश करने के बाद बैंगन को ट्रांसफर करेंगे एक बोल में। अभी इसमें मिलाएंगे एक चम्मच सरसों का तेल, थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया पत्ता, एक बारीक कटा हुआ प्याज, ये मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कूट लिया और साथ में लिया एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। बहुत लोग यहाँ पे आमचूर डालना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टमाटर डाला है जो कि ऑलरेडी हमारे भरते को खट्टा कर देगी, तो मैं यहाँ पे आमचूर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो 1/2 चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर भी मिला दें। सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ये हमारा बिहारी स्टाइल बैंगन का भरता बन के बिल्कुल तैयार है।
तो ये देखिए बिहारी स्टाइल बैंगन का भरता हमने बना के तैयार कर लिया है। आप इसे रोटी, दाल, चावल या फिर स्पेशली सत्तू के पराठे और सत्तू की लिट्टी के साथ इस चोखे का मजा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए तरीके से एक बार ये बैंगन का भरता जरूर बनाएं, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।